धनुष भंग पाठ पढ़ रहे थे आप लोग, जिसमें एक दोहा हो गया है पहला। दूसरा है, चंद्र पूर्ववत की तरह रहेगा। प्रसंग इसका यह है कि प्रस्तुत पद्यांश में धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर जब सारे राजा वहां पर असफल हो जाते हैं, तब सीता की महारानी सुनैना को चिंता होती है, अपनी चिंताओं को अपनी सखियों से व्यक्त कर रही है। तो उसका दोहा है, राम ही प्रेम समेत लखी सखी ने समीप बुलाए, सीता मात सने पस वचन कहे बिलखाए। सीता की मां रानी सुनैना श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, वात्सल्य प्रेम में वह इतना अत्यधिक प्रेम बढ़ जाता है उनकी सुकोमलता को देखकर कि अपनी सखियों को समीप बुला करके और व्यक्त कर रही हैं। तो लाइने हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जीव कहावत हितो हमारे। कौतुक, कौतुक माने होता है खेल या तमाशा। कहते कि ही सखी, जो इस हमारे सभागार में लोग उपस्थित हुए हैं, ये सब खेल और तमाशा देखने वाले हैं। एक कोई भी हमारे हितो हमारे, कोई इसमें मेरा हितैषी नहीं है। को न बुझाए काहे गुर पाही, ए बालक असे हट फल जानी। कोई भी इसमें से इनके गुरु विश्वामित्र के पास निकट जाकर ये नहीं कहता कि अभी तो ये बालक हैं, ऐसी हट अर्थात जिद अच्छी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण बाण मारे बाणासुर, रावण और बाणासुर जैसा महान योद्धा इस धनुष को स्पर्श नहीं कर पाया। अन्य भी राजा हारे सकल भूप कर, राजा सकल माने संपूर्ण, अन्य सारे राजाओं ने अपने अहंकार को अपने अभिमान को प्रदर्शित करके हार गए हैं। सोधन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। सो ऐसे धनुष को एक सुकोमल वाले राजकुमार के हाथों में कर देही, देही माने शरीर, कर माने हाथ, ऐसे धनुष को एक सुकोमल वाले शरीर के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल, बाल माने बच्चा, मराल माने हंस। क्या हंस का बच्चा इस मिथिला कुंज को उठाने की सामर्थ्य रखता है? नहीं। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विद गति कछु जात न हानि। क्या बताऊं मेरे प्रीतम, इस राजा का सारा सयानापन अर्थात सारी चतुराई सिरानी अर्थात ठंडी हो गई है। सक विधि ही विधाता क्या होगा, विधाता की स्थिति को कुछ कहा नहीं जा सकता। इतने में बोले चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गणयन रानी। इतने में एक श्री राम के गुण को जानने वाली रानी सुनैना की सहेली उनकी, वो कहती है कि कोमल, धीरे से मधुर कोमल आवाज में कहती है कि हे रानी, ना ऐसे तेजस्वियों को छोटा नहीं गिनना चाहिए। गनी गनी माने गिनना, लघु माने होता है छोटा, ऐसे तेजस्वियों को छोटा नहीं गिनना चाहिए। गुंबज कहाँ सेंदो अपारा, सो सेव सुजस सकल संसारा। हे रानी, कहाँ एक छोटे से घड़े से उत्पन्न हुए ऋषि अगस्त, कहाँ अपार समुद्र का सागर, जिन्होंने उन्हें सोख लिया था, जिनकी यश जिनकी कीर्ति आज तीनों लोकों में छाया हुआ है। रवि मंडल देख तो तग लागा,
रवि मंडत देख लघु लागा उदय तास त्रिभुवन तम भागा। हे रानी देखो ना, रवि माने होता है सूर्य। सूर्य भी देखने में कितना छोटा प्रतीत होता है किंतु इसके उदय होते ही तीनों लोकों का तम भागा। तम माने होता है अधिकार, तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने सीता की महारानी सुनैना की चिंता का अभिव्यक्ति दिया है, बड़ा अनूठा अभिव्यक्ति दिया है उनका। भाषा अवधि शैली प्रबंधात्मक शैली, रस जो है बिल्कुल शांत रस है, अलंकार जो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब आगे लाइनों में चलते हैं हम, तीसरा पैराग्राफ है ये, इसमें संदर्भ पूर्ववत की तरह रहेगा। प्रसंग इसका ये है, इसमें माता सीता की मां रानी सुनैना को उनकी सखियां उन्हें ढांढस अर्थात साहस बनाती हैं, तो वही वर्णन किया गया है। मंत परम लघु जासु बस बेदे हरे हर सुर सरो महामत गज राज कहूं बस कर अंकुश खर। कहती है कि हे रानी देखो ना, एक मंत्र बहुत छोटा होता है, ओम जैसा मंत्र भी बड़ा छोटा होता है किंतु इसके अधीन विद माने ब्रह्मा, हर माने विष्णु, हर माने शिव, सर माने देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश एवं आदि सारे देवता इसके बस में अधीन में रहते हैं। और एक महाराज महामत गजराज हाथी का विशाल हाथी भी, एक गजराज विशाल हाथी को भी एक छोटा सा अंकुश खर, अंकुश माने नियंत्रण, खर माने एक छोटा सा यंत्र होता है, छोटा सा यंत्र अपने बस में कर लेता है, अंगार में कर लेता है। चौपाई है, काम कुसुम धनु सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। इतना ही नहीं, काम देव ने तो धन सायक, धन माने धनु सायक माने बाण, कुसुम माने फूल, कामदेव ने तो फूलों का धनुष ही लेकर के अब पूरे संसार को सभी भुवन अपने बस की ने, संसार को अपने बस में कर लिया था। देख तजिय संशय अस जानी भंजब धनुष राम सुवरानी। हे सखी, ऐसा सोचते हुए ऐसा विचार करते हुए आप सभी प्रकार के संदेह को संशय को त्याग दीजिए, निश्चय ही मेरा विश्वास है कि भंजब, भंजब माने होता है तोड़ना, श्री रामचंद्र जी ही इस धनुष को खंडित करेंगे। तब राम सखी बचन सुन भय परतीति मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। सखियों के मुखारविंदो से सुनी हुई बातों को सुनकर रानी सुनैना को विश्वास हो जाता है, प्रतीति प्रतीति माने विश्वास हो जाता है, उनके सारे शंका संदेह समाधान वो सब मिट जाता है और श्री राम चंद्र जी के प्रति अत्यधिक प्रेम बढ़ जाता है। तब राम बिलोक बैदेही सभय हृदय बिनवत जीते ही। ऐसे समय में बैदेही माने होता है सीता जी, सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और उनको देखने के बाद सभय भयभीत मन से भयभीत हृदय से जिस देवताओं को वो मनाने लगती हैं, जिस देवताओं को मनाने लगती। मन मनाओ अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी अपने मन ही मन से बहुत व्याकुल हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं और वे हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश होता है शिव, भवानी माने होता है गौरी। हे गौरी महेश मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरे ऊपर कृपा करिए। करहु सफल
करहु सफल आपन सेवकाई, कर ही तुहारा चाप गरुआई। और मैंने आज तक आपकी जो सेवा किया है आज उसका शुभ अवसर आ गया है और मेरे ऊपर आप कृपा करिए और इस धनुष के भारीपन को हराओ, हरम माने हरण कर दीजिए, आप भारीपन को हरण कर दीजिए। गणनायक गणनायक बरदायक देवा, आज लगे किन आज लगे किन है तू सेवा। हे गण के नायक, हे गणाध्यक्ष, हे बर देने वाले देवता, आज तक जो मैंने आपकी सेवा की है आज वो शुभ अवसर आ गया है। इसी शुभ घड़ी के लिए, इसी शुभ दिन के लिए मैंने आज तक आपकी सेवा की है। बार बार बिनते सुन मोरी, करम चाप गुरतायत थोरी। सीता जी बार बार विनती कर रही, प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही हैं कि मेरी विनती स्वीकार करो और इस धनुष के भारीपन को, इसकी गुरुत्वा को कम कर दो। प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने सीता जी के मन भावनाओं को बड़े ही सुंदर शब्दों में उनका सजीव चित्रण किया है। भाषा अवधि शैली, प्रबंधात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, रस शांत रस है, छंद जो है दोहा और चौपाई दोनों है, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार है। ठीक, जय हिंद जय भारत।